सुमन और रितु कॉलेज से घर आ रहे होते हैं। तभी सुमन को एक आइसक्रीम वाला दिखता है, जिसे देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। वो देख रितु, आइसक्रीम वाला, चलना चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तू खुद तो बीमार होती नहीं है, तेरी वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ। जब तक गर्मियाँ होती हैं, तब तो तुझे कुछ खाना नहीं होता। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तुझे आइसक्रीम खाने का मन हो जाता है। अब तो मैं ऐसी ही हूँ, मुझे सर्दियों में ही आइसक्रीम खाने का मजा आता है। ठंड हो हर तरफ और ऊपर से हम ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाए, कितना मजा आता है ना? हाँ, बहुत मजा आता है, लेकिन मैं ये मजे नहीं चाहती। तुझे अच्छी लगती है ना ठंड में आइसक्रीम खाना, तो तू खा, मैं नहीं खाने वाली आइसक्रीम। नहीं ना यार, मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ, तू भी चल ना। तू अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तू चलेगी भी मेरे साथ और आइसक्रीम खाएगी भी। अब बता, चल रही है या नहीं? यार तू इतनी जिद्दी क्यों है, कभी तो किसी दूसरे की बात मान लिया कर। बेस्ट फ्रेंड बोल कर एक दिन ऊपर पहुँचा दियो, चल खाते हैं आइसक्रीम। चल पागल, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ होने भी ना दूं, लेकिन वो बात अलग है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं जरूरी ही नहीं हूँ। तभी तो मैंने कुछ खाने को बोला और मेरी बात ही नहीं सुनी। तेरे ना ये सब ड्रामे मुझे अच्छे नहीं लगते, और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, आज से नहीं बल्कि तुझे मैं बचपन से जानती हूँ। तुझे कैसे अपनी बात मनवानी है ये तुझे बहुत अच्छे से आता है, इसी बात का तो बहुत फायदा उठाती है। सुमन को ठंड में आइसक्रीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए वो सर्दियों में आइसक्रीम जरूर खाया करती थी, और सुमन की वजह से ही उसकी सहेली को भी आइसक्रीम खानी पड़ती थी। रितु आइसक्रीम तो खा लेती थी, लेकिन रितु की तबीयत खराब हो जाती है और वो कॉलेज नहीं जा पाती, जिसे देखकर सुमन रितु के घर उससे मिलने जाती है। क्या हुआ, तू कॉलेज क्यों नहीं आई? तुझे पता भी है आज कॉलेज में कितना मजा आया, पूरी क्लास मिलकर आज बाहर घूमने गई थी, सबने बहुत मजे भी किए। ना तू आइसक्रीम खाने की जिद करती, ना मुझे खांसी जुखाम होता। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मुझे इतना मत खिलाया कर ये सब। तू तो सच में बड़ी छुई मुई है, एक आइसक्रीम खाने से तेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई? एक आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि ठंड में आइसक्रीम खाने से हुई है। ठंड में तो लोग ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन तूने तो आइसक्रीम खिला दी मुझे। अच्छा ठीक है, अगली बार से अगर तेरा मन हो तभी खाइयो, मैं तुझे नहीं बोलूंगी खाने को। एक आइसक्रीम क्या खिला दी, इतना कड़वा कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा है। अगली बार बोल मत दियो मुझे, नहीं तो कड़वा काढ़ा मैं तुझे ही पिला दूंगी, फिर बनाती रहियो मुँह। रितु और सुमन काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन दोनों का हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सुमन कैंटीन में बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है और रितु सूप पी रही होती है, कि तभी उन दोनों का क्लासमेट मयंक वहां आ जाता है, जिसे देखकर रितु सुमन से कहती है, वो देख मयंक आ रहा है, बुलाओ उसे, तू भी अपने मन की बात बोल दियो उसे। फिर तू पागल है क्या रितु, ऐसे कैसे मन की बात बोल दूं, अभी तक तो हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने हैं, और ऐसे ही मैं उसे ये बताऊं कि मैं उसे पसंद करती हूं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तू भी ना पागल है बिल्कुल, अरे जब तक बात नहीं करेगी तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। मयंक मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करता है, तू क्यों डरती है उससे, रुक मैं उसे बुलाती हूँ। रितु मयंक को वहाँ बुलाती है और मयंक उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। आज तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, यानी कि मैं। नाइस। तीसरे को तो हमने खुद ही बुलाया है, वो क्या है ना, तुम अकेले खड़े थे तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें बुला लें, वैसे भी यहाँ एक सीट खाली ही थी। वैसे ये सब बात छोड़ो, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो इस बार मैं बहुत ही अच्छी पार्टी देने जा रहा हूँ, अपनी पूरी क्लास आ रही है, इसलिए तुम दोनों को भी आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। वैसे कब है तुम्हारा बर्थडे और पार्टी कितने बजे है? संडे को ही, और हाँ नाइट पार्टी है, वो भी क्लब में, बहुत मजा आने वाला है। क्या नाइट में पार्टी है, वो भी क्लब में? यार ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं बिल्कुल पॉसिबल है रितु, समझना। मयंक तुम चिंता मत करो, हम दोनों आएंगे। सुमन रितु को कुछ बोलने नहीं देती और मयंक की बातों का जवाब हाँ में दे देती है। सुमन रोज ही बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती रहती है। एक दिन में काफी सारी आइसक्रीम खाने की वजह से शनिवार की रात मयंक के बर्थडे से एक दिन पहले ही सुमन को बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है और उसका गला बैठ जाता है। कल मयंक का बर्थडे है और आज ही मेरा गला खराब होना था, ऊपर से बार बार नाक भी बह रही है, बस कल तक मैं ठीक हो जाऊं।
सुमन की तबीयत खराब होने के बाद भी वो आइसक्रीम खाना बंद ही नहीं करती और अगले दिन मयंक की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए सुमन तैयार हो जाती है कि तभी उसकी सहेली रितु वहां आती है और देखती है कि सुमन की तबीयत खराब है और वो अपनी नाक पोंछ रही है। क्या हुआ सुमन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जुकाम हो रखा है। यार तेरा गला तो पूरा बैठा हुआ है, आवाज तक नहीं निकल रही। एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं, हम मयंक को बोल देंगे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, सुमन रितु की बात नहीं मान रही होती। तभी वहाँ सुमन की माँ आ जाती है। सुमन आज जाना जरूरी है क्या? तेरी तबीयत देख रही है ना तू कि कितनी ज्यादा खराब है। अब बाहर जाएगी तो और ठंड लग जाएगी और तेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ सुमन, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें नहीं जाना चाहिए। तू आराम कर, मैं भी अपने घर वापस जा रही हूँ। रात में वैसे भी ठंड कितनी बढ़ जाती है। मैंने कह दिया ना कि मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, तुझे आना है तो आ। रितु बेटा ये तो है ही जिद्दी, अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनेगी। लेकिन तू तो समझदार है ना, तू इसके साथ जा। कहीं बीच रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो कोई उसके आसपास भी नहीं होगा उसे संभालने के लिए। रितु और सुमन दोनों मयंक की पार्टी में जाते हैं। सुमन की बहुत नाक बह रही होती है और वो बार बार रुमाल से अपनी नाक साफ कर रही होती है। को देख रही है ना तू, पार्टी में जोकर लग रही है बिल्कुल। ऊपर से ये बार बार नाक साफ कर रही है, सब लोग तुझे देखकर हंस रहे हैं। ऐसे करेगी क्या तू मयंक को प्रपोज? बहुत इंतजार कर लिया मैंने मयंक का अपनी बात बताने में, लेकिन अब और नहीं। आज मैं मयंक से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। मयंक के लिए ही तो इतना तैयार होकर आई हूँ। तेरी तो आधी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही है। चल ना, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। जुखाम में तेरा दिमाग भी नहीं चलता क्या? तेरा गला खराब हो रखा है, इतना ज्यादा जुखाम हो रखा है और अब भी तुझे आइसक्रीम खानी है? पागल है क्या तू? चलना चलते हैं। सुमन इतना खराब गला होते हुए भी रितु के साथ जाकर पार्टी में आइसक्रीम खाने लगती है। तभी वहाँ मयंक आ जाता है और माइक लेकर बोलता है, मुझे पता है आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं आज बर्थडे वाले दिन किसी और को स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। तान्या मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओए ओए देख देख, मयंक शायद तान्या को प्रपोज करने वाला है। तू जा जल्दी जाकर उसे बोल कि तू उसे पसंद करती है। सुमन तुरंत भागते हुए मयंक के पास जाती है। मयंक, मयंक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ कोई नैपकिन नहीं है, तुम जाओ किसी वेटर से पूछो, मैं अभी तान्या को प्रपोज करने वाला हूँ। सुमन मयंक को अपनी बात समझाती रहती है, लेकिन मयंक है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता और वो तान्या को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद सुमन को आइसक्रीम पर बहुत गुस्सा आता है और वो आइसक्रीम फेंकते हुए गुस्से में कहती है, अब तक मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन आइसक्रीम की वजह से मेरा गला खराब हुआ और उस वजह से मयंक को मैं कुछ बोल नहीं पाई। आज के बाद मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। हर्षिता कॉलेज के एग्जाम में पास होने की खुशी में हलवाई की दुकान पर जाती है और वहाँ रखी सभी मिठाइयों को देखते हुए उसकी नज़र कोने में पड़े छोटे रसगुल्लों पर जाती है और वो दुकान के मालिक को आवाज लगाते हुए कहती है, हलवाई अंकल, ओ हलवाई अंकल, कहाँ हो? अरे दुकान पर कोई है या नहीं? उसकी आवाज़ सुनते ही काउंटर पर मोहित नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, जी आपके हलवाई अंकल तो यहाँ नहीं है, आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? ओहो, अभी मिठाई की दुकान पर भाजी तो मांगूंगी नहीं, मिठाई ही लेने आई हूँ। हाँ लेकिन मिठाई का नाम बताएंगी तभी तो दूंगा ना, बताइए क्या चाहिए? कलाकंद, बर्फी, काजू कतली, लड्डू? ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस एक किलो गुलाब जामुन दे दीजिए। ठीक है अभी देता हूँ। हर्षिता फोन में बिजी हो जाती है और मोहित उसे गुलाब जामुन पैक करके दे देता है और वो पैसे देकर चली जाती है। कुछ देर में जब वो घर आती है तो जाते ही अपनी माँ को जोर से गले लगाती है। तभी उसकी माँ राम प्यारी कहती है, हाय दैया, तू गले लगा रही है कि मोए दबोच कर मारने की कोशिश कर रही है, छोड़ मोए। ओहो माँ, मैं तो आपको खुशी से गले लगा रही हूँ, ये लो मिठाई खाओ, मैं पास हो गई। हाय राम जी, तो चमत्कारी हो गयो, मेरी लल्ली पेपरन में पास हो गई, लाला मिठाई ला। हाँ खा लो, लेकिन पहले मुझे खिलाना, वो क्या है ना मेरी फेवरेट मिठाई है। तभी हर्षिता से मिठाई का डब्बा लेकर राम प्यारी उसे खोलती है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल कर उसे खिलाने लगती है। जैसे ही हर्षिता मिठाई खाने के लिए मुंह खोलती है तो मिठाई देखकर कहती है,
एक मिनट, ये तो काले वाले हैं। मैंने उस चपड़ गंजू को सफेद वाले देने को कहा था। जी ही, मैं भी सोच रही थी, तुझे तो सफेद बालों भातो है, ये काले वाले कहाँ से उठा लाए। ओहो, इस मिठाई वाले की तो सफेद दिखाकर काला पैक कर दिया। माँ, अभी इसे वापस करके आती हूँ। अरे अरे, ठहर जा, कहाँ को भागी चली। हर्षिता अपनी माँ की बात सुने बिना ही हलवाई की दुकान पर जाती है और उसके पीछे पीछे राम प्यारी भी वहाँ आती है। तो गुस्से में हर्षिता मोहित से कहती है, अरे इतना बड़ा मिष्ठान भंडार खोल कर बैठे हो, देख कर मिठाई नहीं दी जाती। मैंने कौन सी मिठाई मांगी थी और कौन सी थमा दी मुझे? जो कहा था वही तो दिया, गुलाब जामुन ही तो मांगे थे आपने। हाँ, लेकिन काले नहीं सफेद वाले कहे थे। सफेद गुलाब जामुन, ये मिठाई कौन बना गया? हाय दैया बेटा, वो जेदा रसगुल्ले की बात कर रही है और बैल बुद्धि की मनपसंद मिठाई है, लेकिन नाम से भी अनजान है। जे वो रसगुल्ले होवे है, गुलाब जामुन नहीं। अरे नाम में क्या रखा है, रसगुल्ले याद नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, ये अकेले आपकी नहीं बहुत लोगों की दिक्कत है। अभी पक्का बताइए चाहिए क्या? मिठाई, वो भी सफेद वाली। तभी मोहित उसे रसगुल्ले पैक करके दे देता है और वो घर जाकर पहले खुद दो रसगुल्ले खाती है और फिर अपनी माँ को खिलाती है। और अगले ही दिन डब्बे में से सारे रसगुल्ले हर्षिता टहलते हुए खा जाती है। हर्षिता को मिठाई में रसगुल्ले बहुत पसंद थे, हालांकि वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले के नामों में कंफ्यूज हो जाया करती थी, जैसा कि आमतौर पर लोग हो जाया करते हैं। लेकिन स्वाद उसे रसगुल्लों का ही भाता था। एक रोज जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसका बड़ा भाई अखिल, जो कि ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, वो घर वापस आ चुका है। तो वो खुशी से कहती है, तो आप लौट आए, पता है माँ मैंने आपको कितना याद किया। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ मेरे लिए क्या लाए। ओ महान आत्मा, मैं काम करने के लिए बाहर गया था, घूमने के लिए नहीं गया था, जो वहाँ से तेरे लिए कोई निशानी लेके आऊँ। अरे तू तो कह रहा था कि जाके लिए कुछ खाने को लाया है, गो फिर कहाँ गयो। माँ आप भी ना, आपने पहले ही बता दिया, थोड़ा तरसाने तो देती। अभी हो गया तो लाओ, क्या लाए हो खाने को। तभी अखिल अपने बैग से एक स्पंज रसगुल्ले का डब्बा निकाल कर उसे देते हुए कहता है, ये ले तेरे मन पसंद रसगुल्ले। और लेकिन ये स्पंज वाले हैं, जो यहाँ की दुकानों में नहीं मिलते। स्पंजी रसगुल्ले, अच्छा माँ कटोरी चम्मच तो लाना जरा, मैं भी तो खा के देखूं। ओहो लल्ला, जाने दो दिन पहले ही रसगुल्ले खाए होते, अभी तू भी जे रसगुल्ले ले आयो। हर्षिता एक बार में सारे न खाइयो, मैं कटोरी लाती हूँ। राम प्यारी किचन से कटोरी चम्मच लेकर आती है और तीनों एक साथ स्पंज रसगुल्ला खाते हैं। तभी रसगुल्ले को चबाते हुए हर्षिता कहती है, भैया ये स्पंजी रसगुल्ले को कितना चबाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है गाय की तरह जुगाली कर रही हूँ। सही कहते हैं लोग बाग, बंदर को अदरक भातो ना है। अरे जे महंगे और बड़े वाले रसगुल्ले है गे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। ओहो माँ, मैंने कब कहा कि अच्छे नहीं है, देखो ना मुँह में डालते ही चाशनी बाहर आ गई, पर बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। तूने कभी खाए नहीं थे ना, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए लेके चलूं। ना ना एक बहुत है, बाकी खाने के बाद खा लिए। लल्ला तुझे ना पता, जी अभी सारे रसगुल्ले लपेट जाएगी तो पता भी ना चलोगी, रसगुल्लों की चटोरी होगी है। इतना कहकर उसकी माँ रसगुल्ले का डब्बा उठाए रसोई की तरफ चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली शुमोना उसके घर लड्डू ले आती है और आवाज लगाते हुए कहती है, काकी की धौर है तुम। ए बंगाली सखी, कैसे आना हुआ, क्या लाई है। हाँ बोल, का हो गयो, काहे मोहे याद कर रही है बंगालन। काकी के मोना छो, हम आपको खुशी का लड्डू खिलाने आया है, वो हमारी बहुदी को लड़का हुआ है, हम बुआ बन गया। अरे कम बुद्धि, वो बन गया ना बन गई हो तो है। एक ही बात होता है आंटी, ले हर्षिता लड्डू खा। ओ शुमोना, ये लड्डू ये नहीं खाती, लाना ही था तो रसगुल्ला लाती। उड़ी बाबा, रसगुल्ला तो हमारे बंगाल में एकदम भालो मिलता है, हम बंगाल जाएगा तो तुम्हारे लिए एक हांडी रसगुल्ला लाएगा। बताओ अभी रसगुल्ले खाने के लिए मैं इसके बंगाल जाने का वेट करूँ, तू तब तक लड्डू ही खिला दे। इतना कहकर वो झट से एक लड्डू उठाकर खा जाती है। शुमोना और उसकी माँ ये हरकत देखकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता मोहित की दुकान के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसकी नजर रसगुल्लों पर जाती है और वो खुद से कहती है, ओ वाओ, सफेद गोल गोल मिठास से भरे हुए रसगुल्ले कितने मस्त है। उस दिन इनके नाम के चक्कर में मैंने उस लड़के को बुरी तरह सुना दिया था, उससे जाकर सॉरी कहना चाहिए। तभी हर्षिता दुकान में जाती है तो उसे देखकर मोहित कहता है,
अरे आप आज क्या लेने आई हैं? काले वाले रसगुल्ले या सफेद वाले गुलाब जामुन? चलिए अपनी उस गलती की वजह से मैं आपको याद तो हूँ, वैसे मैं मिठाई लेने नहीं आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं, इंसानों से ही तो गलती होती है, लेकिन फिर भी अगर आप माफ़ी चाहती हैं तो आपको मेरा बनाया केसर वाला रसगुल्ला खाना होगा। क्यों नहीं, रसगुल्ला तो जैसा भी खा सकती हूँ मैं, मना करती ही नहीं। तभी मोहित उसे एक केसर वाला रसगुल्ला खाने को देता है। कुछ देर में बातों बातों में दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। समय बीतता है और दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। अब जब भी हर्षिता को मिठाई लेनी होती तो वो मोहित की दुकान पर आ जाया करती। ऐसे ही एक दिन मोहित हर्षिता को कॉल कर एक रेस्टोरेंट में आने को कहता है। हर्षिता तैयार होकर वहाँ समय से पहले पहुँच जाती है। तभी कुछ देर में वहाँ मोहित सूट बूट में तैयार होकर आता है और घुटने के बल बैठ जाता है। ये देखकर हर्षिता शर्मा जाती है, लेकिन जैसे ही वो फूल की जगह एक छोटे से कपड़े से ढका हुआ मटका आगे करता है, हर्षिता हैरानी से उसे देखकर कहती है, इस मटके में क्या मैं चिल्लर रखूं? मटका देकर कौन प्रपोज करता है? अरे हर्षिता, हलवाई का बेटा हूँ, कुम्हार का नहीं। मटके से कपड़ा हटाकर देखो, तुम्हारे लिए एक छोटा मटका भर के बंगाल के बादाम वाले रसगुल्ले लाया हूँ। ये खाओगी ना तो झट से मेरे गले लग जाओगी। तभी हर्षिता मटके को अपने हाथ में लेती है तो वो ठंडा लगता है, और उस पर रखा कपड़ा हटाती है तो उसमें बहुत सारे रसगुल्ले होते हैं। वो मटके में से एक रसगुल्ला निकाल कर खाती है और खुशी से मोहित को गले लगा कर कहती है, तुम्हारा ये रसगुल्ले वाला प्रपोजल मुझे मंजूर है मोहित, आई रसगुल्ला यू। आई लव यू मेरी रसगुल्ला लवर। इतना कहकर दोनों मटके से एक एक रसगुल्ला निकाल कर एक दूसरे को खिलाते हैं। अनिल और उसकी बीवी दीपा कहने को तो साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दीपा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि उसकी शादी बाकी शादियों की तरह बनी रहे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अनिल की शादी से पहले ही एक मीनू नाम की लड़की से दोस्ती थी, यानी वो उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ की मर्जी की वजह से वो दीपा से शादी कर लेता है। लेकिन जब बात उसके हाथ में नहीं रहती तो वो तंग होकर मीनू से दूसरी शादी कर लेता है, और शादी के बाद वो उसे लेकर अपने साथ घर आता है और दीपा और अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ ये आपकी बहू है, मैंने इसे दूसरी शादी की है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? एक बीवी पहले ही घर में बैठी है और तू दूसरी बीवी को ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? माँ मैंने दीपा से शादी बस आपके बोलने से की थी, वरना तो मैं दीपा से शादी भी नहीं करता, लेकिन मैं मीनू के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया और मैंने इससे शादी कर ली। और मेरा क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरे बारे में थोड़ा तो सोच लेते, अब मैं क्या करूँ? दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, पर आपका अनिल पर मुझसे ज्यादा हक है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मेरा घर तोड़ दिया और अब बोल रही है कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। पहले तो बस ये मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये तो मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के साथ रहेंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो। ऐसे कैसे साथ रहेंगे, भले ही मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन पहला प्यार तो आपका मैं ही हूँ, तो आपकी ये पहली पत्नी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है मीनू के साथ एक ही घर में रहने में, आप कम से कम मेरी परवाह तो कर रहे हैं ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ और अब मैं इसी घर में रहूँगी। ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में तो मेरा क्या है, मैं क्या ही बोलूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, एक घर में तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ही समय के लिए, फिर तो मैं इसे घर से निकाल ही दूंगी। देखती हूँ मैं भी कि ये दोनों कैसे साथ रहते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब ये घर में ही रहेगी तो मैं अनिल के साथ रोमांस करूंगी और दीपा घर का काम कर लेगी। अरे तुम दोनों कहाँ खो गई, क्या सोचने लग गई तुम दोनों अब? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि शादी हो गई है, अब मेरी सौतन घर में आई है तो सारी रस्में भी तो होंगी ना। हाँ, अब तो यही करना है बस, बेटा दूसरी बीवी लाया है और तू उसकी नुमाइश कर, है ना? अगर रस्में नहीं होंगी तब तो इनकी सुहागरात भी हो जाएगी आराम से, अभी तक तो मेरी सुहागरात नहीं हुई तो इसकी कैसे होगी? अरे नहीं दीदी,
आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब बस ये सब मत करो अनिल, मैं बस आपके साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। ऐसे कैसे, अभी नई नई शादी हुई है, बाहर वालों का तो ना सही, कम से कम हम घर वालों के बीच में तो सारी रस्में होनी ही चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, हम सारी रस्में घर में ही कर लेंगे। माँ इन सब की क्या ही जरूरत है, शादी हो गई, आप लोगों ने अपना बना लिया, बस यही बहुत है, अब रस्में करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक आप दोनों की सुहागरात भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कर लो सारी रस्में, अब खुश। इतना बोलकर दीपा मीनू को शादी के बाद की सभी रस्मों में बिजी करके खुद अनिल के साथ समय बिताने लगती है और उसको बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती है। लेकिन रस्में भी कब तक चलती, थोड़ी देर बाद तो सारी रस्में खत्म हो जाती है। रस्में खत्म होने के बाद अनिल और मीनू अपने कमरे में जाते हैं और अनिल जैसे ही मीनू को अपनी बाहों में भरता है तभी वहाँ दीपा खाना लेकर आती है और बोलती है, अरे आप दोनों भूखे ही रहेंगे क्या, कुछ खाना वाना तो खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, खाना यही रख दो, हम दोनों खा लेंगे बाद में। तुम मेरी सौतन बस बोलने के लिए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला कर ही जाऊंगी, बाद में क्या पता तुमने खाया हो या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं अनिल के साथ बाद में आराम से खा लूंगी, आप भी तो थक गई होंगी ना, आप जाओ खाना खा लो। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले क्या ही खाऊंगी, मैं यही तुम्हारे साथ खा लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अरे तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या, बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है। आप भी कैसी बात करते हो, जब मेरी सौतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो, चलो बैठो खाना खाते हैं। मुझे पता है ये सब जानबूझकर कर रही है, कोई नहीं जल्दी ना मैं ये खाना खाकर इसे भगाती हूँ। तीनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मीनू दीपा को उसके कमरे में भेज देती है और अपने कमरे में जाकर दीपा कहती है, अब क्या करूं, इतनी देर तक तो किसी न किसी बहाने से इनकी सुहागरात रोक दी, लेकिन अब क्या करूं। दीपा अपना दिमाग लगाने के बाद दूध में जमाल गोटा मिलाकर वापस उनके कमरे में आकर कहती है, अरे आज तो मीनू की सुहागरात है तो दूध तो बनता ही है ना। हाँ लेकिन दूध तो लड़का पीता है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो। तो क्या हुआ, जरूरत तो तुम्हें भी है ना दूध की, चलो अब ये दूध एक सांस में पी जाओ। पी लो मीनू, नहीं तो ये यहीं खड़ी रहेगी। दीपा मीनू को दूध पिलाती है और उन्हीं के कमरे के बाहर जाकर छुपकर खड़ी हो जाती है। अनिल और मीनू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मीनू के पेट से आवाज़ें आती हैं और मीनू अपना पेट पकड़कर भागते हुए वॉशरूम जाती है और उसके वॉशरूम जाने की आवाज़ सुनकर दीपा वापस कमरे में आकर अनिल से कहती है, क्या हुआ, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी जैसे कोई भाग रहा हो, सब ठीक तो है ना। पता नहीं अभी तक तो सब ठीक ही था, लेकिन अचानक से मीनू भागते हुए वॉशरूम में गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम से पेट पकड़े हुए मीनू बाहर आती है और उसे देखकर दीपा कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ तुम ऐसे भागते हुए क्यों गई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। पता नहीं मेरे पेट में अचानक से ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाय हाय, एक मिनट मैं अभी आती हूँ। इतना बोलते हुए मीनू फिर से भागकर वॉशरूम जाती है। काफी देर तक जब मीनू ऐसे ही अंदर बाहर करती है तो दीपा अनिल से कहती है, अरे शायद मीनू का पेट खराब हो गया है इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताने से ज्यादा वॉशरूम में समय बिता रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया होगा। कोई बात नहीं, अब तो लगता है शायद आज पूरी रात मीनू का अंदर बाहर चलता ही रहेगा, आप एक काम करिए मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। हाँ ठीक बोल रही हो, चलो वहीं सो जाता हूँ, और वैसे भी अब तो तुमसे थोड़ी बहुत बात भी होने लग गई है, वरना पहले तो ना बात होती थी और ना ही कुछ। कोई बात नहीं, रात भी है और बात भी, अब बातें करनी हो तो कर लेना। चलो तुम्हारे कमरे में ही, मीनू से कल बात कर लूँगा, तब तक शायद वो भी ठीक हो जाए। चलो भला हो मेरी सौतन का, आज उसकी वजह से ही सही, उसकी सुहागरात को तो पता नहीं लेकिन मेरी सुहागरात के पूरे पूरे चांस हैं। दीपा और अनिल दोनों कमरे में चली जाती है और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताते हैं और यहाँ मीनू वॉशरूम में समय बिताती है। मीनू यहाँ जिसका इतना इंतजार कर रही थी वो रात तो आती है और मीनू ने गुजारी भी, लेकिन वॉशरूम में।
ऐसे ही अब दोनों घर में एक दूसरे की बराबरी करती रहती और नोकझोंक के साथ घर में खुशी खुशी रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।